और अब रुख करते हैं खबरों का। उज्जैन से खबर है जहां पे काल भैरव मंदिर के पास मुंबई से दर्शन करने आए परिवार और एक दुकानदार में झगड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक वकील अमरदीप भट्टाचार्य और मुंबई से उसका परिवार काल भैरव के दर्शन करने के लिए आया था। इस दौरान राजा भाटी नाम के दुकानदार से प्रसाद खरीदने को लेकर झगड़ा हो गया। घटना में अमरदीप घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अमरदीप सुप्रीम कोर्ट में वकील है, जबकि उनका छोटा भाई ऋषिकेश हाईकोर्ट में वकील है। अमरदीप का परिवार महाकाल में दर्शन करने के बाद काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था, तो वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में वकील है अमरदीप भट्टाचार्य और उनका भाई हाईकोर्ट में वकील है। प्रसाद नहीं लेने पर दुकानदार से विवाद हो गया। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने आया था ये परिवार मुंबई से, और इस दौरान देखिए ये विवाद कैसे बढ़ गया। मुंबई से आए वकील के परिवार के साथ ये मारपीट। एक वकील सुप्रीम कोर्ट में वकील है और दूसरा परिवार का सदस्य हाई कोर्ट में वकील है। प्रसाद को लेकर ये विवाद हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये वकील परिवार महाकाल के दर्शन करने के बाद भैरवकाल के दर्शन करने के लिए जा रहा था, तो इस दौरान दुकानदार से प्रसाद को लेकर विवाद बढ़ गया। काल भैरव में दर्शन करने के लिए परिवार आया था। काल भैरव मंदिर पर आज सुबह श्रद्धालु हैं जो बंबई से आए थे, और एक मैजिक के माध्यम से जब वहाँ पर पहुँचे तो एक राजा भाटी नाम का आदमी है, उसकी दुकान के सामने मैजिक रुकी और फिर उन्होंने आगे बढ़कर किसी दुकान से प्रसाद और सामग्री खरीदी, और फिर दर्शन करके जब ये लौटे तो ये राजा भाटी इनसे जिद करने लगा कि आपको मेरी दुकान से ही खरीदना चाहिए था। उसके बाद उसने मैजिक वाले के साथ भी मारपीट की और जो मुंबई से श्रद्धालु आए इनके साथ भी मारपीट हुई। दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मुंबई के जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आए उनके यहाँ से तीन लोगों को चोट लगी है। इनकी तरफ से 327 का मामला दर्ज किया जा रहा है। साथ में जो राजा भाटी को चोट लगी है उसके संबंध में भी अभी मेडिकल कराया गया, परंतु इससे रिलेटेड इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी SDM कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है, तो SDM और तहसीलदार भी मौके पर पहुंच रहे हैं, और इसमें जो अवैध दुकानें होंगी अभी उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रसाद नहीं लेने पर दुकानदार से विवाद हुआ था। विवाद देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया है। एक शख्स इसमें जख्मी हो गया है और पुलिस हर एक एंगल से तफ्तीश कर रही है। अब वकील अमरदीप जख्मी हुआ है। ललित जैन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। ललित, क्या वजह रही है कि श्रद्धालु के साथ एक बार फिर यहाँ पे मारपीट का मामला सामने आया है? ये काल भैरव मंदिर है, यहाँ पर क्या है, सरकारी कोई पार्किंग नहीं है, तो जो लोग यहाँ पार्किंग बना कर रखे हुए और दुकानें खोल कर रखे हुए फूल प्रसादी की, वो आए दिन इस तरह की घटना करते हैं। क्योंकि उनका ये रहता है कि अधिक से अधिक उनका प्रसाद के ऐसे जो बाहर प्रसाद होते हैं उनके साथ वो जबरदस्ती करते हैं, और जबरदस्ती के कारण ही आज जब ये अमरदीप परिवार ने प्रसाद देने से इनकार कर दिया और जब वो दर्शन कर ले बाहर आए तो उनकी गाड़ी में जबरन प्रसाद फेंक के 200 रुपए मांगे और नहीं देने पर मारपीट की है। ललित, महाकाल मंदिर और भैरवकाल मंदिर ये विश्व ख्याति मंदिर है और यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहाँ पर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही कहीं ना कहीं ये छवि को धूमिल करती है। जी बिल्कुल सही है ये कि इस तरीके से घटना हुई, ये शहर को आपके शर्मसार करने वाली घटना है, और इस तरह की घटना पूर्व में भी कई बार हो चुकी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोला था कि श्रद्धालुओं के साथ में कोई अप्रिय घटना नहीं होना चाहिए, शहर की छवि खराब नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, यही वजह है कि आज यह घटना की पुनरावृत्ति हुई है। ललित, अब तो सूबे के मुखिया भी उज्जैन की पावन धरा से ही आते हैं और सख्त निर्देश दिए गए हैं, इसके बावजूद ये घटनाएं थम क्यों नहीं रही है, वजह क्या है? जी क्या है, कुछ आदेश जरूर है उपस्थित, पर जो कुछ लोग हैं वहां पर जो दुकानदारी करते हैं व्यापार करते हैं वो लोग कोई सत्ताधारी दल से रहते कोई विपक्ष के नेताओं से जुड़े हुए लोग हैं
इसलिए पुलिस प्रशासन दबाव में कार्रवाई नहीं कर पाता। हालांकि आज इस घटना के बाद में उज्जैन के वकील लोग काफी नाराज हैं और वो इसको लेकर कोई आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जी, अब जो उज्जैन के वकील मोर्चा खोले हुए हैं, जिस तरीके से आप अपडेट दे रहे हैं, उनका क्या रुख रहने वाला है? जी, उनका रुख है, अभी तो वो मिलने गए, इसके बाद हो सकता है वो पुलिस प्रशासन को इस संदर्भ में ज्ञापन देंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे। हालांकि पुलिस ने इसको एक्शन देते हुए जो आरोपी है उनकी दुकानें तोड़ दी है और एक को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि उनका कहना यह है कि उसको आरोपी को भी गिरफ्तार चोट लगी है, इसलिए उसका इलाज किया जा रहा है, उसके बाद में गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हमारे साथ में इस समय जो शहर के नामी वकील है अग्रवाल साहब, अमित अग्रवाल साहब, वो भी मौजूद है। किसी घटना के संदर्भ में अपन चाहे तो बात कर सकते हैं। जी जी जी, आप उनसे बातचीत करिए। और जी, अग्रवाल साहब जी, आपके सामने आपको क्या लगता है इस घटना को लेकर क्या होना चाहिए, किस तरीके से? यहाँ पे क्योंकि शहर के ही है और हाईकोर्ट के वकील है, तो हाईकोर्ट के वकील के साथ ये घटना हुई तो क्या? बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की अप्रिय घटना नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। आपने सुना है कि जी, अब ललित जरा ये बताइए, ऐसे में पीड़ित परिजनों का क्या कहना है और पुलिस किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है? जी, वो इन घटना से काफी आहत है। खास बात यह कि मारपीट तो की गई, उनकी एक बालिका है 16 साल की, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके साथ अश्लील हरकत भी की, वो काफी आहत है। और इस तरीके से घटना होगी तो भारी श्रद्धालु वहां पर आने से डरेंगे, क्योंकि मैसेज गलत नहीं गया है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन हालांकि अभी सख्ती कर रहा है, लेकिन अब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसको लेकर गुंडे बदमाशों के सभी को आरोपियों को पकड़ के उनका जुलूस निकालना, गिरफ्तार नहीं होना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जी ललित, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर आ रही है उज्जैन से ही, वकील मारपीट के मामले में। देखिए, यहाँ पे पुलिस ने दो आरोपियों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ा है। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने आया था परिवार और प्रसाद नहीं लेने पर एक दुकानदार से विवाद हुआ था। अब देखिए, पुलिस ने यहाँ पे त्वरित कार्रवाई की है, दो अवैध अतिक्रमण को तोड़ा है, पुलिस ने कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की है। कार्रवाई की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रसाद नहीं लेने पर एक दुकानदार के साथ विवाद हुआ था, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई है और ये मामला देखिए किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और पुलिस ने भी बिना टाइम गवाए यहाँ पे एक्शन लिया है। ललित जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, अगर ये कार्रवाई पहले ही की जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। जी बिल्कुल सही है कि इस तरह की कई शिकायतें, कई रिपोर्टें घरों पर थाने में हुई है, लेकिन पुलिस ने इसको पहले गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने तक के इस बात की शिकायत कही कि अगर पहले ये कार्रवाई हो जाती तो शायद आज ये नौबत नहीं आ पाती। बिल्कुल, क्या ये कार्रवाई अभी भी आगे जारी रहेगी? अभी तो दो ही दुकानों को जो अतिक्रमण इलीगल थे उसे ध्वस्त किया गया है, क्या आगे भी दुकानों को जो अवैध अतिक्रमण है उसे ध्वस्त किया जाएगा? जी, इस संबंध में एसपी साहब प्रदीप शर्मा जी से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी चूंकि ये कार्रवाई कर रहा है, इसके साथ में वहां पर सारी दुकानें चिन्हित की जाएगी, जो भी अवैध होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, साथ में जो पार्किंग है, अवैध पार्किंग है, वो भी हटाई जाएगी और जो भी गुंडागिरी करते हैं सबको बॉन्ड ओवर किया जाएगा, यहाँ के दुकानदारों को भी बॉन्ड ओवर किया जाएगा कि वो अगले आगे से इस तरीके से भविष्य में कोई कार्रवाई घटना नहीं कर सके। अच्छा ललित, ये बताइए जरा, ये जो कार्रवाई की गई है, जो एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से, इसके बाद ये मामले थमेंगे क्या? जी, अगर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की तो संभवतः इस तरह की घटनाएं रुक सकती है। हालांकि इस तरह की घटनाएं महंताल थाना, महंताल क्षेत्र में भी आए दिन होती रहती है, लेकिन पुलिस जब घटना होती है उस समय तो कुछ एक्शन ले लेती है, बाद में पुलिस का रवैया काफी ढीला ढाला रहता है, जिससे फिर बाद में घटना होने लग जाती है। बिल्कुल, अब इस कार्रवाई के बाद पीड़ित परिजनों का क्या कहना है? पीड़ित परिवार से मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि अब वो कभी भी उज्जैन में नहीं आएंगे, वो कोशिश करेंगे कि उनके मिलने वाले भी कभी भी उज्जैन नहीं आए। जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, उस तरीके से उनका धार्मिक नगरी के को लेकर जो भावना थी वो काफी आहत हुई है और उनकी बेटी के साथ जो घटना हुई और उसकी महिलाओं के साथ जो हुआ उसको लेकर वो काफी दुखी है और जो घायल है उनकी स्थिति भी अभी ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती है। बाकी अन्य बच्चों के साथ भी मारपीट की गई है, उनके साथ कपड़े फाड़े गए, उसको लेकर काफी दुखी है सभी। ठीक है ललित जैन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल